हेलो फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मण सिंह। मेरा यूट्यूब चैनल जीके मस्ती में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, तो आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, आइए कुछ रक्षाबंधन के बारे में चर्चा करते हैं। कहते हैं रक्षाबंधन, क्या बोलते हैं रक्षाबंधन, रक्षाबंधन का मतलब क्या होता है? रक्षाबंधन का मतलब होता है रक्षा। बहन अपने भाई को कलाई पे राखी जब बांधती है, किसके नाम पे बांधती है, काहे लिए बांधती है? इसलिए राखी बांधती है, बांध देती है कि हम भाई के साथ हैं। ठीक है, और जो मेरा भाई है वो हमारा रक्षा करेगा। ठीक है, इसीलिए बहन अपने भाई को राखी बांधती है। ठीक है ना, और आज का दिन भाई और बहन के लिए सबसे अच्छा दिन होता है। ठीक है ना, तो भाई बहन के बारे में आप सब जानते हैं, आपके भाई बहन होंगे तो आपको पता ही होगा कि भाई के साथ बहन का व्यवहार कितना अच्छा होता है और भाई के व्यवहार बहन के साथ कितना अच्छा होता है, और अच्छा व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, मैं भी, अब मेरा बहन भी है, देख लीजिए वो सब राखी बांधी है। ठीक है, मैं अपने बहन को बहुत बहुत आशीर्वाद दिया हूँ, आप लोग भी देना। ठीक है, तो बहन की रक्षा करना और माता पिता का सेवा भी जरूर करना। ठीक है ना, माता पिता ही सबसे बड़े भगवान हैं। ठीक है, माता पिता ही हमारे लिए सब कुछ हैं। माता पिता ना हो तो हम ये सब कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, माता पिता से बड़ा दर्जा कोई नहीं दे सकता है, सबसे बड़ा दर्जा तो माँ देती है। ठीक है ना, तो चलिए रक्षाबंधन के बारे में कुछ हुआ तो आइए हम आपको कुछ बताते हैं इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, तो आइए देखते हैं। लिखे हैं नदियों पर बसे भारत के प्रमुख नगर, किस नदी पर कौन सा नगर बसा हुआ है ये हम आपको बताएंगे। ठीक है ना, और आप लोग याद रखिएगा, एसएससी में और जो रेलवे है, बैंकिंग है, उसमें ये सब क्वेश्चन आता ही है। ऐसा बात नहीं है कि नहीं आता है, आता है क्वेश्चन। ठीक है ना, तो हम लोग एक एक टॉपिक अगर याद करते हैं, एक एक टॉपिक को अगर पकड़ कर चलते हैं, तो पर डे एक अगर याद करते हैं तो 365 दिन में 365 हम लोग को याद हो जाएगा। ठीक है ना, तो आइए देखते हैं। लिखे हैं नदियों पर बसे भारत के प्रमुख नगर। ठीक है, तो यहाँ पे नगर हम लिख दिए हैं। ठीक है, और वो नगर कहाँ पे है वो भी लिखे हैं क्वेश्चन में। ठीक है ना, तो आइए देखते हैं हम। लिखे हैं आगरा, कौन सा नगर है आगरा, वो कहाँ पे है, तो यो है यूपी में, जिसे उत्तर प्रदेश बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये किस नदी पे बसा हुआ है, वो है यमुना नदी। कौन सी नदी है, यमुना नदी। उसके आगे है जैनपुर, कौन सा नगर है जैनपुर, वो भी कहाँ है, वो भी यूपी में है, उत्तर प्रदेश में। वो किस नदी पे बसा हुआ है, तो वो है गोदावरी नदी। कौन सी नदी है, गोदावरी नदी। उसके आगे है लखनऊ, कौन सा जगह है लखनऊ, वो किस नदी पे बसा हुआ है, वो भी है गोमती नदी पे। ये दोनों सेम ही है, दोनों एक ही नदी पे बसा हुआ है। ठीक है, उसके आगे है अयोध्या, कौन सा जगह है अयोध्या। ठीक है, उस वो किस नगर में है, वो भी कहाँ पे है, तो वो भी यूपी में है, उत्तर प्रदेश में ही है। वो किस नदी पे बसा हुआ है, वो है सरयू नदी, कौन सा नदी है सरयू नदी। उसके आगे लिखे हैं इलाहाबाद, क्या लिखा है इलाहाबाद, तो किस नदी पे बसा हुआ है, तो वो है गंगा। ठीक है, कौन सी नदी है गंगा, गंगा जो है वो मिलती है कहाँ पे, कौन कौन सी नदी मिलती है, यमुना नदी मिलती है। ठीक है,
गंगा और यमुना नदी मिलती है, दोनों का संगम होता है। संगम मतलब होता है मिलन, ठीक है, जहां एक दूसरे का मिलन हो उसी को संगम कहते हैं, ठीक है। तो इलाहाबाद है, तो इलाहाबाद है तो नगर है, तो कहाँ पे है, वो यूपी में है। तो किस नदी पे है, तो है गंगा नदी में, जहां दोनों नदियों का यमुना और गंगा का संगम हुआ है, मिलन हुआ है, ठीक है। उसके आगे लिखे हैं जमशेदपुर। जमशेदपुर कहाँ है, वो है झारखंड में। कहाँ पे है, झारखंड में।